उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा द्वारा जिला ब्लॉक संगठन ने स्थायी और अस्थायी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति पर प्रदेश प्रभारी की कार्रवाई को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस है जहां पर पहले आदेश जारी किए जाते हैं और उनके बड़े नेता उन्हें निरस्त कर देते हैं। साथ ही सुबोध उनियाल ने कहा कि कांग्रेस की हालत उन छोटे बच्चों की तरह है जो रेत का घर बनाते हैं और दूसरा बच्चा गिराकर चला जाता है। वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने बड़े नेताओं से सलाह मशवरा करने की नसीहत दी। देखिए, अगर ये इन फाइटिंग कांग्रेस में न होती तो आज कांग्रेस धरातल में थोड़ी जाती। कांग्रेस के धरातल पे रसातल पे जाने के संकेत है। ये आपस में लड़ाई झगड़े में उनकी हर चीज बनती है, फिर बिगड़ जाती है। रेत का बढ़ाते ना बच्चे, रेत का बाहर महल खड़ा किया तब तक दूसरे बच्चे ने तोड़ दिया। तो यही महाराज जी को कोई सलाह तो नहीं? महाराज जी को कोई सलाह? नहीं नहीं, कांग्रेस के लोगों को मैं कोई सलाह नहीं देता। वो स्वयं अपने नेताओं से सलाह करें, अपने आपस में सलाह करके निर्णय लें। सुबह बात करने में देर नहीं करता। सुबह उत्तराखंड में महिला हिंसा के बढ़ते मामलों पर बीजेपी नेत्री दीप्ति रावत ने चिंता जाहिर की है। बीजेपी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने मीडिया को दिए अपने एक बयान में कहा कि उत्तराखंड में धामी सरकार महिलाओं से संबंधित अपराधों को लेकर गंभीर है। कि महिला के खिलाफ अपराध हर जगह रुकना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी हैं उसकी कोशिश है। उत्तराखंड में धामी सरकार की भी ये कोशिश है कि किस प्रकार से उन पर फास्ट ट्रैक और कड़ा एक्शन लिया जाए और जल्दी उस पर कार्रवाई हो। उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें सरकार ने की हैं, लेकिन ऐसी बातें जरूर निंदनीय हैं जो जहां पर कई बार हम बंगाल में देखते हैं और दूसरी सरकारों में हम देखते हैं। राजस्थान में पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमने देखा कि किस प्रकार से वहां पर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती हैं और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ने के साथ साथ उस पर एक्शन भी नहीं होता है। दिनेशपुर के ऑडिटोरियम में बंगाली युवाओं के आह्वान पर बंगाली समुदाय की विशेष बैठक हुई। बैठक में अनुसूचित जाति की मांग को लेकर आगामी 20 सितंबर को बंगाली समुदाय के लोग रुद्रपुर गांधी पार्क में एक विशाल जनसभा करेंगे, जिसमें उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों से बंगाली समुदाय के लगभग 2 से 5 लाख लोग शिरकत करेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में स्थापित बंगाली समाज के नमोसूद्र पोंड माझी को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग पिछले 7 दशक से चलती हुई आ रही है। कई बार विधानसभा लोकसभा में बंगाली समुदाय की मांग को लेकर चर्चा की गई, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। इस रैली को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से पहुंचने की अपील की गई। चाहे दिनेशपुर के लोग हो, चाहे शक्तिवारम के लोग हो, और जहां भी हमारे बंगाली समाज के लोग हैं, सब ने निर्णय लिया कि 20 सितंबर को जो है रुद्रपुर गांधी पार्क में एक विशाल जनसभा करेंगे। उस जनसभा में जो हमारा वही दो मांग रहेगा कि बंगाली जो जाति जो अनुसूचित नाते हैं उनको अनुसूचित दर्जा दिया जाए, और जितने बंगाली क्षेत्रों में सरकारी स्कूल में वहां सरकारी टीचर दिया जाए जिससे बंगला भाषा पढ़ाया जाए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री है, इन्होंने कहा भी है कि बंगाली स्कूल जो स्कूल का मांग है, टीचरों का मांग है, वो टीचर हम देंगे। हम लोग उनको दोबारा याद दिलाने के लिए 20 तारीख को जो है ये कार्यक्रम कर रहे हैं। शूद्र पौंड माझी, ये 3 जातियां हम लोग एक्चुअली वहां से ही अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो हम लोगों की ये पुरानी मांग थी, हम लोगों को लाके यहाँ बसाया गया है, हम लोग आके यहाँ बसे हैं और हम लोग कोई जबरदस्ती भी नहीं आए। हम लोगों को बाकायदा भारत सरकार ने अनुरोध करके हमें यहाँ जगह दिया, हम लोग बैठे, और परंतु हमारे जो हम लोग जो अनुसूचित जाति है, हमारे जो रिश्तेदार नातेदार अनुसूचित जाति है, भारतवर्ष के 7 स्टेटों में हम लोग हमारे लोग जो हमारे रिश्तेदार है नातेदार है उनको अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है।
एक क्लेगर आयोग बैठा था 1953 में, जिसका रिपोर्ट आया था 1950 में, और उस समय उन्होंने स्टडी किया था, सर्वे किया था पूरे भारतवर्ष में, जहां जहां जो जातियां थी उसका वो था, उन्होंने स्टडी किया था। स्टडी करने के बाद जो जातियां जहां पर रही है उसको उन्होंने अनुसूचित जाति घोषित किया था। इसीलिए वो 7 स्टेट जो थे, 7 स्टेट में ऑलरेडी बंगाली थे तो उनको वहां पर दिया गया है, और बाकी स्टेट में माइग्रेट हुए हैं, यहां पर 51 में आ चुके थे, लेकिन वहां उस समय जो बंगालियों का कोई अस्तित्व नहीं था, पहचान नहीं थी, जिसके वजह से वो क्लेगर आयोग ने जो है रिकमेंडेशन में नहीं दिया है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाएं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं। खासकर महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले सामने आने से सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही हैं, जिसके चलते स्थानीय स्तर पर लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर जोर दिया है कि कानून अपना काम करेगा और अपराधियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय का निरीक्षण किया था। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए, इसके साथ ही महिलाओं से जुड़े अपराधों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। इसके अलावा डेमोग्राफी चेंज, धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों में भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। लेकिन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो महिलाओं से जुड़े अपराध लगातार सामने आ रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां लगातार बढ़ रहे अपराधों से निपटने के लिए प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह के आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को बख्शा न जाए और महिलाओं के साथ हो रहे अपराध में कमी लाने के लिए अपराधियों में डर का माहौल पैदा किया जाए। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की संख्या में कमी लाई जाए। अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन भी अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लगातार महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड स्लट के आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मानिला में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पलायन लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मनीला में काफी समय से शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जबकि शिक्षा विभाग का दावा है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा, लेकिन शिक्षा विभाग के दावे घोषणा तक ही सीमित रह पाते हैं। धरातल में शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो पाई है। अभिभावकों को शिक्षा विभाग अधिकारी आश्वासन देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। आक्रोशित अभिभावकों ने 12 सितंबर से क्रमिक अनशन करने की चेतावनी दी है। आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मैनला में लगातार शिक्षकों का अभाव बढ़ते जा रहा है। सरकार की ऐसी नीति है कि आधे सत्र में से यहां पे टीचरों का ट्रांसफर किया जाता है, उसके बाद हम लोग के पास कोई ऐसा चारा नहीं कि हम अपने बच्चों को कोई ट्यूशन दे सके, कुछ कर सके। एक तरफ तो सरकार कहती है कि प्लान पर रोक लगाओ, दूसरी ओर हमारी सरकार ऐसी नीति बनाती है जो पहाड़ में हम लोग अपने बच्चों यहाँ पर परिवार के साथ रह रहे हैं, अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। संकल्प है सुशासन का, अंतिम छोर तक समाधान और निराकरण का। अंत्योदय के पथ पर संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से बढ़ी डबल इंजन सरकार की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक मजबूत प्रदेश के निर्माण हेतु इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। राज्य की जीएसडीपी में 25% की बढ़ोतरी उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाता है। अब राजस्व को दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में तेजी से हो रहा है स्मार्ट विलेज का निर्माण। वोकल फॉर लोकल पर आधारित योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कर रही हैं।
होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बने हैं इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के नए कीर्तिमान। तकनीकी के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, एम्स सैटेलाइट सेंटर और नए कॉलेजों की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के प्रशिक्षण पर खासा जोर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए 1064 ऐप, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून, अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 और सेवा का अधिकार उत्तराखंड सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। उत्तराखंड सरकार का वचन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब सशक्त उत्तराखंड के निर्माण से बदल रही है तस्वीर, सवर रही है तकदीर। थ्रू कॉन्स्टेंट इनोवेशन द ग्रुप प्रोवाइड इट्स क्लाइंट्स विद वैल्यू एडेड एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. Hey mom, hey. Hey mom, hey. Look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus. 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. Gana. Download hua? Nahi, par tab tak main idli banati hu. Humne banaya kids se. Tum husn pari, tum jaane jahan ho, itni hansi dhoonde tatliya. बेटे भाई मौज कर दी मुझे होया करती इन बड़े छोटे मियाँ की मौज 10 साल पहले आता नौकरी बेचो किसाना की जमीन कब जाकर सौदा करो अरे मौज करो नॉन स्टॉप है फिर हमने बीजेपी तो वोट दिया और इनकी मौज पर ला गई फुल स्टॉप जब बेटे हमने भरोसा है बीजेपी पे ना कि इन घूसखोर फैमिली बिजनेस वाला पे नॉन स्टॉप विकास बीजेपी पे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली पोखरी की शिक्षिका कुसुमलता गडिया को नेशनल टीचर अवार्ड मिलने के बाद राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पहुंचने पर स्थानीय लोगों और छात्रों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं ग्रामीणों में भी बेहद खुशी देखने को मिली। ग्राम प्रधान रश्मि देवी ने कहा कि हमारे पूरे क्षेत्र के लिए गर्व के पल हैं कि हमारे पास ऐसे काबिल शिक्षक हैं जिनसे हमारे पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। आपको बताते चले भारत की सरकार द्वारा हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नेशनल टीचर्स अवार्ड दिए जाते हैं। इस बार शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर से 50 शिक्षकों को नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता प्रमाण पत्र, 50,000 रूपये नकद पुरस्कार और 1 रजत पदक दिया गया। शिक्षक के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कुसुम को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इसी साल कुसुम को प्रतिष्ठित शैलेश माटियानी राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। राकेश चंद्र प्रधानाचार्य रामाधीना आज क्षेत्रीय जनता के द्वारा मैडम को राष्ट्रीय शैक्षिक पुरस्कार मिलने की उपलब्धि में इनका आज यहाँ पे सम्मान आयोजित किया गया। तो हम समस्त या विद्यालय परिवार अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रकार की सम्मान समारोह से भी
हमारे बच्चों को जो है एक प्रेरणा मिल रही है और हमारे बच्चे भी। नमस्कार आप सभी को, सारे क्षेत्र की प्रेरणा से और मार्गदर्शन से मैंने पुरस्कार के लिए आवेदन किया। सभी के सहयोग से जो है कार्य करती थी और आज यहाँ पे एक ग्रामीण क्षेत्र की महिला जो है राष्ट्रपति भवन तक पहुँची, इसके लिए समस्त स्टाफ को, ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, जनपद को, राज्य को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सभी लोगों ने मुझे इस योग्य समझा और मुझे अपार स्नेह और मार्गदर्शन जो दिया, उसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शुभम है, मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। हमारी मैम को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है जिससे ये पूरे क्षेत्र में पहली बार हमारी मैम को मिला है, तो हम बहुत ही खुश हैं कि हमारी मैम को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आज जब मैम को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तो आज ये पूरा क्षेत्र हमारी स्कूल पूरे आज बहुत खुश है कि यहाँ हमारे क्षेत्र से मैम को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उधम सिंह नगर जिले के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्र ने अपना पदभार ग्रहण करने के साथ उधम सिंह नगर जिले की कोतवाली चौकियों और थानों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में नवनियुक्त एसएसपी मणिकांत मिश्र ने कोतवाली काशीपुर का औचक निरीक्षण किया। इसी के साथ ही काशीपुर मीडिया सेंटर के समस्त मेंबर्स ने नवनियुक्त एसएसपी को बुके देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रेस से वार्ता करते हुए एसएसपी ने काम करने की प्राथमिकताओं को गिनाया। उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सीमा बराबर में है, कुछ अपराधी अपने अपराध को अंजाम देकर बड़ी आसानी से उत्तराखंड में अपराध करके उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, जिस पर विशेष नजर रखी जाएगी। यह जिस दिन से मैं यहाँ आया उस दिन से मैं इस जिले के बारे में और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन मैं यहाँ ज्वाइन किया उस दिन वन विभाग के कर्मचारियों के साथ जो पेड़ काटने वाले तस्कर हैं उनसे भीड़ हुई थी, जिसमें कि वन विभाग के 4 कर्मचारी घायल भी हुए थे। उसमें जगरपुर थाने में अपराध पंजीकृत भी हुआ और उसके पश्चात हमारी 4 टीमें बनी। खबर मंगलौर से है, जहां घर में खून से लथपथ 22 वर्षीय युवती का शव मिलने से मंगलौर में हड़कंप मच गया। वहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जानकारी जुटाई तो पता चला कि प्रेम प्रसंग के चलते भाई ने ही अपनी बड़ी बहन का गला रेतकर हत्या की है। मौके से ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल फोरेंसिक की टीम के साथ पुलिस तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल करने में जुटी है। मलानपुरा कस्बे में कोतवाली मंगलौर क्षेत्र अंतर्गत एक युवती की उसके ही भाई के द्वारा हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर फील्ड यूनिट और हम सब लोग यहां आए हैं। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्राथमिक जानकारी यह मिली है कि उक्त युवती के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसके ही भाई के द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया है। फिर भी अन्य सभी संभावित पहलुओं से साक्ष्य संकलन और जानकारी जुटाई जाने की कोशिश की जा रही है ताकि अग्रिम विधि कार्रवाई को अमल में लाया जा सके। पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। खबर मंगलौर से है, जहां पुलिस को 22 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ है। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई तो वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई है। इसके साथ ही पुलिस ने हत्या की गुत्थी भी सुलझा ली है। आपको बता दें कि भाई ने ही अपनी बहन का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी। खबर मंगलौर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है तो वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है।
आपको बता दें कि युवती के भाई ने ही उसका कत्ल कर दिया। खबर मंगलौर से है जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हिमालय दिवस के आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने सभी को हिमालय दिवस की शुभकामनाएं दी, साथ ही हिमालय के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रहे लोगों का आभार भी व्यक्त किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय के सरोकारों से जुड़े विषयों के लिए डीजी यूकास्ट दुर्गेश पंत के संयोजन में कमेटी बनाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने यूकास्ट के अंतर्राष्ट्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल के पोस्टर का विमोचन किया। यह महोत्सव 6 जिलों इंजीनियरिंग कॉलेजों में किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में हर साल 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। तो वहीं जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। देहरादून में भी इस साल तापमान में काफी वृद्धि हुई। अगर तापमान इसी गति से बढ़ता रहा तो आने वाले समय के लिए चिंताजनक है। हिमालय जल और जंगल के संरक्षण की दिशा में मिलकर प्रयास करने हमें पौधारोपण भी करना होगा। इस वक्त बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक है आज। केदारनाथ उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस समिति की बैठक, वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बैठक में चुनाव और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। 12 सितंबर से शुरू हो रही है केदारनाथ प्रतिष्ठा बैठक में कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां देहरादून में कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक होगी। केदारनाथ उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। 12 सितंबर से केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा शुरू होगी। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी और धामी सरकार पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। हरीश रावत ने कहा है कि जब मुख्यमंत्री धामी कमजोर होते हैं, जब बीजेपी कमजोर होती है, तो वो मुसलमानों का सहारा लेती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस समय कमजोर हो रही है और वो प्रदेश में अवैध मजारों, लव जिहाद और इसी तरह के अन्य विषयों का सहारा ले रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले दिनों सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनाए गए अवैध मजारों को ध्वस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। इस पर कार्रवाई भी हुई और अब एक बार फिर से अधिकारियों को इसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो अधिकारी इस मामले में लापरवाही बरतेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लोग जानते हैं, मुस्लिम शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, लव जिहाद शरणम गच्छामि। जब जब धामी कमजोर होता है या जब जब भाजपा कमजोर होती है, तब तब मुस्लिम मजार 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 कहती है। इसको क्या, ये तो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, आपको समझ लेना चाहिए कि कमजोर हो रही है भाजपा, इसलिए जो है फिर मजार शरणम बच्चा नहीं हो रही। पुलिस लाइन पौड़ी में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह द्वारा आदि दोस्तों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को थाने में आने वाले प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को लेकर स्वयं सुनने और उसके निस्तारण से लेकर पूरे प्रयास किए जाने के निर्देश दिए हैं और कहा कि समस्या निराकरण के बाद पीड़ित से फीडबैक भी लें। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को जनता की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सोशल मीडिया एवं मॉनिटरिंग सेल को जनपद में सोशल मीडिया पर निरंतर कड़ी निगरानी रखने तथा अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित करने वालों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करने को कहा। देखिए, जो प्रतिमा हमारी प्राइम मीटिंग ली जाती है, जिसमें हमारे जिले भर के अधिकारी कर्मचारीगण उन सबके साथ बैठक ली जाती है और क्राइम की एक तो हम लोग रिव्यू करते हैं और जो नई इंस्ट्रक्शंस होती है वो भी दी जाती है, तो वो हमारी पुलिस लाइन में की गई थी। और उसमें जो भी कर्मचारियों ने जिन्होंने पिछले माह अच्छा कार्य किया था, जिसमें कई हमारी अदर स्टेट से हम लोगों ने रेड्स करते हुए कई साइबर फ्रॉडस्टर्स को हमने अरेस्ट किया, इसके साथ साथ कुछ हमने एनडीपीएस में अच्छी कार्रवाई जिन कर्मचारियों ने की था उनको सम्मानित भी किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।